दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स में। तो आखिरकार भक्तों का लूटना फोटना, उछलना कूदना, तोड़फोड़ करना, शाहरुख को गरियाना, भगवा के नाम पर तमाम मुसलमानों को गाली देना, ये सारी मेहनत बेकार हो गई है। यूं समझ लीजिए जितने भी भक्त थे भगवा के नाम पर, गेरुआ के नाम पर, नारंगी के नाम पर बजबजा रहे थे इतने दिनों से, उनकी सारी मेहनत पर किए किराए पर पानी फिर गया। क्योंकि शाहरुख खान की जिस मूवी को रोकने के लिए, बैन कराने के लिए, जिस मूवी का विरोध हो रहा था जम करके, विरोध हिंसक भी हो रहा था, विरोध हनुमान चालीसा पढ़ करके भी किया जा रहा था, अर्थी निकाल कर भी, शाहरुख खान का अर्थी निकाल कर भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, इन सारे मेहनत पर एकदम पानी फिर गया। फिल्म सेंसर बोर्ड ने अपने यहां से फिल्म को पास कर दिया, पठान मूवी पास हो गई और भक्त बेचारे चीखते रह गए, चिल्लाते रह गए, रोते रह गए, बिलखते रह गए और पठान मूवी पास हो गई। इस मूवी को जितना ज्यादा प्रचारित प्रसारित करने का काम इन अंधभक्तों ने किया है, उतना तो फिल्म निर्माताओं ने नहीं किया होगा। सबसे ज्यादा फिल्म को मशहूर करने वाले यही अंधभक्त थे, यही भगवा और कट्टरवाद के समर्थक थे, जो अपने आप को रंग बदलकर कभी राष्ट्रवादी कहते हैं, कभी देशभक्त कहते हैं, कभी भगवाधारी कहते हैं, कभी अपने आप को हिंदू रक्षक कहते हैं। इन लोगों ने पठान मूवी को फेमस कर दिया, शाहरुख खान को फेमस कर दिया, दीपिका पांडुकोण को फेमस कर दिया। टुकड़े टुकड़े गैंग की मेंबर दीपिका पांडुकोण कि फिल्म पास हो गई। फिल्म सेंसर बोर्ड ने मामूली सी कैंची चलाई है, थोड़े बहुत काट छाट के बाद फिल्म की पूरी रिलीज हो गई। ना दीपिका पादुकोण के भगवा बिकनी पर कोई आंच आया, ना शाहरुख खान के हरे शर्ट पर आंच आया, और ना ही फिल्म में जो गाना था, क्या कहा जा रहा था उस गाने को, बेशरम रंग, और ना ही फिल्म में बेशरम रंग गाने को हटाया गया, बल्कि पूरी की पूरी फिल्म चालू हो गई, पूरी की पूरी फिल्म को पास कर दिया गया। और ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है जो भगवाधारी गैंग, ये जो है गैंग, बायकॉट गैंग, उनके खिलाफ ये फरमान आया है। समझ लीजिए, ये फिल्म सेंसर बोर्ड ने पास नहीं किया, बल्कि भगवाधारियों के ऊपर एक हंटर चलाया है कि अभी यहां रखवाली के लिए हम हैं, कौन सी फिल्म पास होगी, कौन सी फिल्म पर कैंची चलेगी, कौन सी फिल्म को सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा, पास नहीं किया जाएगा, कौन सी फिल्म बैन होगी, इसको तय करने का हक फिल्म सेंसर बोर्ड को है। और फिल्म सेंसर बोर्ड ने अपनी मजबूत रीढ़ को दिखा दिया है कि उसकी रीढ़ झुकने वाली नहीं है। चाहे भले ही वहां प्रसून जोशी क्यों ना बैठे हो, भले ही वहां सरकार के, सत्ता के और भाजपा के सबसे करीबी शख्स वहां क्यों ना बैठे हो, कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भगवा बिकनी नहीं बदली गई, बेशरम रंग गाना जिस पर सबसे ज्यादा लोटपोट हो रहे थे, भक्त निहाल हो रहे थे, उसको भी नहीं बदला जाएगा, सब पास हो गया साहब। तो आखिर रो क्यों रहे थे, इतने दिनों से नौटंकी क्यों कर रहे थे। मिश्रा जी एक हैं मध्य प्रदेश में गृह मंत्री कहे जाते हैं, उन्होंने तो दीपिका पांडुकोण को टुकड़े टुकड़े गैंग की मेंबर कहा था, क्योंकि वो जेएनयू गई थी, उसी जेएनयू से पढ़ करके निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता हैं, उनको तो वो नहीं कह सकते। वही शाहरुख खान जिसको पूरी दुनिया प्यार करती है, जिसको पूरी दुनिया चाहती है, आप उसका बायकॉट कराने चले थे, फिल्म का बायकॉट कराने चले थे, धर्म के नाम पर सब कुछ को ले लेकर के ये लोग खुलकर नहीं बोल पाते कि हम पठान मूवी का विरोध क्यों कर रहे हैं सिर्फ शाहरुख खान की वजह से। मैं आपको खबर दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि जिस फिल्म में गाना लिखने वाले हिंदू, जिस फिल्म का कोरियोग्राफर, डांस करने वाले, डांस सिखाने वाले, उस टीम के लोग पूरे हिंदू, फिल्म को गाने वाले, लिखने वाले, बजाने वाले, संगीत धुन देने वाले, सब हिंदू, फिल्म निर्माता हिंदू, फिल्म निदेशक हिंदू, फिल्म की अभिनेत्री हिंदू, और ऐसे फिल्म को सिर्फ इसलिए विरोध किया जा रहा था क्योंकि उसमें शाहरुख खान नजर आ रहे थे। दिक्कत थी खान से, दिक्कत थी भगवा बिकनी से नहीं, दिक्कत थी शाहरुख खान से, क्योंकि भगवा बिकनी में तो अक्षय कुमार ने भी टिप टिप बरसा पानी में गाना गाया है, खूब नाचे हैं, आपत्तिजनक दृश्य फिल्म आए गए हैं। भगवा बिकनी में आप बीजेपी के 3-4 बड़े बड़े नेताओं को देख सकते हैं नाचते हुए, गाते हुए, बजाते हुए। निरहुआ को देख लीजिए, रवि किशन को देख लीजिए, जिनके बच्चे पैदा होने के लिए कांग्रेस जिम्मेदार, उनको देख लीजिए, मनोज तिवारी को देख लीजिए,
बी और पी के नाचे क्षमा छम, उनको देख लीजिए, हाँ तो सबके सब लोग हैं। तो आखिर दिक्कत किससे थी? दिक्कत थी शाहरुख खान से, क्योंकि शाहरुख खान खान है, उनको ये कह नहीं सकते कि हम मुसलमान होने की वजह से उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया थूकेगी। इसलिए भगवा रंग का गाना के नाम पर उसमें दिखाए गए बिकनी की वजह से, उसके रंग की वजह से, उसमें बेशर्म शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया गाने में, उसके वजह से इन अंधभक्तों को बहुत बड़ा झटका लगा है। फिलहाल मैं खबर आपको पढ़ के बता देता हूं। खबर जो है बहुत बड़ी है और ये कई जगहों पे, इक्का दुक्का जगहों पे आई हुई है खबर। पहले तो देख लें, मनी कंट्रोल ने इस खबर को छापा हुआ है, लिखा है बेशर्म रंग में दीपिका पादुकोण की भगवा बिकनी को सेंसर बोर्ड से मिली मंजूरी, शाहरुख खान ने तैयार किया खास प्लान। इसमें देखिए क्या लिखा है, CBFC और उसके पूर्व चेयरमैन प्रसून जोशी ने बेशर्म रंग गाने को ज्यों का त्यों रिलीज करने की अनुमति दे दी है। भैया न कुछ नहीं छटा यार, इतना लोटे फोटे थे तुम लोग, इतना गाए थे, इतना कह रहे थे कि ये कर देंगे वो कर देंगे, सिनेमा हॉल में घुस करके तोड़फोड़ किए थे, शाहरुख खान की आरती निकाले थे, आखिर किए क्या, उखाड़े क्या शाहरुख खान का, एक रोआ नहीं हिला। ना शाहरुख खान तुम्हारे विरोध के वजह से झुकेंगे, ना माफी मांगेंगे, उनको तो सियासत का कोई मतलब ही नहीं होता। लेकिन ये सियासतबाज लोग खुद ही अपनी मिट्टी पलीत करवा रहे हैं। इसमें देखिए और क्या क्या लिखा है, बेशर्म रंग रिलीज होने के बाद से ही विवादों में है, इसका विरोध कर रहे लोग जो है दीपिका के भगवा बिकनी और शाहरुख खान के हर शॉट को लेकर के शुरू से ही जो है विरोध हो रहा था, सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक बाइकाट की मांग उठ रही थी। भाई साहब बाइकाट बाइकाट इतना थूतू हो चुका है बाइकाट गैंग को लेकर के। सुनील शेट्टी उन्होंने भी बोल दिया कि भाई ये बाइकाट बाइकाट वाला जो ट्रेंड लगता है चलने, इसको रोकिए, फिल्म इंडस्ट्री की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। आशा पारेख जो खुद चेयरमैन रही हैं, चेयरपर्सन रही फिल्म सेंसर बोर्ड की, उन्होंने भी कहा है कि फिल्म को रिलीज करना चाहिए, इस तरह की चीजें जो है ठीक नहीं है, सिनेमा का इतिहास बहुत पुराना है। और देखिए ये नवभारत टाइम्स के मैं बता दे रहा हूं, नवभारत टाइम्स ने तो बाकायदा खुलकर लिखा है, मजाक उड़ाया भक्तों तुम्हारा, वाई पठान वाई, ओ भाई पठान पर उपद्रव क्यों, शाहरुख खान के मुसलमान होने पर या दीपिका की भगवा बिकनी होने पर, क्यों ये इस क्वेश्चन किया है। और यहां भी बताया है कि पठान को फिल्म सेंसर बोर्ड में मामूली काट छाट के साथ पास कर दिया है, फिल्म से ना तो भगवा बिकनी वाला सीन हटाया गया और ना ही नाम बदला गया, नाम भी नहीं बदला गया। भाई साहब पठान मूवी को लेकर इन लोगों ने बड़ी बड़ी नौटंकी बतिया रखी थी लेकिन कुछ नहीं बदला। वहीं दूसरी ओर पठान पर कंट्रोवर्सी जारी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इसने उठाया है जो है नवभारत टाइम्स ने उठाया है, बकायदा लिखने वाले ने सवाल उठाया है कि ये विवाद शाहरुख खान के मुस्लिम होने पर है या दीपिका की भगवा बिकनी पर। सबसे बड़ा सवाल ये है, इनको दिक्कत जिससे थी वो थे शाहरुख खान, और शाहरुख खान की वजह से इनको मेन दिक्कत हो रही थी। जैसा कि देख लीजिए नवभारत टाइम्स अपने खबर के विस्तार में क्या लिखता है, पठान को सेंसर बोर्ड ने मामूली काट छाट के साथ पास कर दिया है, फिल्म से ना तो भगवा बिकनी वाला सीन हटाया गया है और ना ही नाम बदला गया। बोर्ड ने फिल्म को बिना बदलाव के हरी झंडी दे दी है, जिसे लेकर कुछ लोग खामखा का बवाल कर रहे हैं। एक तरफ तो साफ है कि कुछ आपत्तिजनक होता तो सेंसर बोर्ड की कैंची से नहीं बचता, अगर कोई आपत्तिजनक होता तो उस पर एतराज जताने के लिए फिल्म सेंसर बोर्ड पहले से मौजूद है, किसी को तोड़फोड़ करने की जरूरत नहीं है, किसी को आईकार्ड बायकार्ड साइकार्ड कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिल्म सेंसर बोर्ड वहां मौजूद है, अगर कोई आपत्तिजनक चीज रहेगी तो हटाएगी। जैसा कि हर कोई जानता है कि जितनी भी आपत्तियां होती हैं उन पर फिल्म सेंसर बोर्ड कुछ ना कुछ काट छाट करता है, तो पठान के साथ समझिए कि कुछ काट छाट हुआ ही नहीं, मामूली सी काट छाट हुई है। लेकिन मेन तो यही रह गया कि भैया जिसके लिए हमने अपना सर फुड़वा लिया, जिसके लिए हमने थिएटर में घुस करके तोड़फोड़ किया, मारपीट कर पर उतारू हो गए, आखिर किया तो क्या किया आपने, इतना सब बवाल करने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ, पास हो गया। इसमें है कि अगर उपद्रव करने वालों को फिल्म सेंसर बोर्ड पर यकीन नहीं होता तो उनका क्या किया जा सकता है, क्या करेंगे। अहमदाबाद में हाल ही में आपने देखा कि किस तरीके से बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोग
घुस करके थिएटर में, मॉल में घुस करके थिएटर में जो है जम करके ये लोग तोड़फोड़ करते हैं, पठान मूवी का बाइकाट करते हैं, पठान मूवी को रिलीज नहीं होने की धमकी देते हैं कि पूरे गुजरात में रिलीज नहीं होने देंगे, अगर किसी ने रिलीज करने की कोशिश की तो उसे हमारे विरोध का सामना करना होगा, उसे अपना अंजाम भुगतना होगा। मध्य प्रदेश में क्या हुआ, वहां क्या निकाला गया, अर्थी निकाली गई शाहरुख खान की, अर्थी कांधे पे अर्थी लेकर के निकाला गया शाहरुख खान का, अर्थी निकाला गया, जिंदा आदमी का अर्थी निकाला गया, शाहरुख खान का फिल्म निर्माताओं का नहीं निकाला गया। मतलब जितनी तारीफ होनी चाहिए फिल्म निर्माता की उतनी उसकी तारीफ नहीं होगी। विवेक अग्निहोत्री की द कश्मीर फाइल्स आई थी तो विवेक अग्निहोत्री का खूब नाम हो रहा था, जय जयकार हो रहे थे विवेक अग्निहोत्री के, फिल्म में हीरो थे वो, क्या थे वो, उतना हीरो का शोर हुआ होता, उसमें अभिनेत्री का विरोध हुआ होता, अभिनेत्री का नाम लिया गया होता, कोई जान नहीं रहा था भाई साहब। उस समय विवेक अग्निहोत्री का नाम हो रहा था, क्यों, क्योंकि सरकारी प्रोपेगेंडा था, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रचारित प्रसारित किया गया था। उस वक्त जो है कई राज्यों में चुनाव चलना था और हिंदू मुसलमान का खेल उसके जरिए खूब खेला गया, सेंसर बोर्ड को कैसे चलानी चाहिए थी तो ऐसी चीजों पर चलानी चाहिए थी, लेकिन खैर देर आए दुरुस्त आए और फिल्म पास हो गई। फिलहाल क्या कहेंगे इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और विवाद निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरीज को दीजिए इजाजत, जय हिंद।